नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया चैनल और हम आ जाए हैं उदयपुर ज़िले के शिल्प ग्राम में। देखते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं गिटार और वीणा और सरोद सारंगी सब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और काफ़ी यहाँ पर शोर जोर से तैयारी चल रही है और कोरोना की वजह से इस साल मेला लगने की कोई फाइनली डिसीजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ होती है जिसके कारण। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी डिज़ाइन है। आइए हम आपको आगे का प्रदर्शन बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदिवासियों के देवी देवताओं का स्थान है, बेरू जी का है, माता जी का है। और आप इस तरफ देख सकते हैं कि इंद्र भगवान का बहुत ही पुराना रथ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन है। और इधर देखिए, इधर भी बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन पेंट की हुई है और बारिश के मौसम की वजह से काफ़ी ख़राब हो गया था जिसके चलते अभी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यूजियम बन रहा है और ये काफ़ी सारे कार्यकर्ता लेबर वाले जो काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर ये लेडीज़ वगैरह भी हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और भी आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। और इस बार मेला नहीं लग रहा है तो यहाँ पर बहुत सारी जगह खाली पड़ी हैं, बाकी ये मेला लगने के लिए सारी व्यवस्था की हुई है। और आप देख सकते हैं आगे बहुत सारा जंगल भी है। हम अंदर जाते हैं माटी के रंग के अंदर जाके आपको कुछ अलग अलग कला के प्रदर्शन कराते हैं। आइए, आपको दिखाते हैं बहुत सारे हाथी घोड़े और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी शानदार शानदार चीज़ें हैं और काफ़ी पुराने जो यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है। आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर पुराने तरीके के मटके और बहुत सारी मिट्टी की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई है। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। देखिए आप आगे चल के देख सकते हैं बहुत ही कलाकारी से पत्थरों की मूर्तियां बनाई हुई है। आपको दिखा दे, बहुत ही अच्छे तरीके से कला का प्रदर्शन किया हुआ है। देखिए हम आप दिखा सकते हैं कि ये एक गुजरात की झोपड़ी है और इस तरफ भी एक गुजरात के वहीं की झोपड़ी है जो बहुत ही शानदार तरीके से बनाई हुई है। कलाकारों ने काफ़ी मेहनत की है।